हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। तो वहीं फरीदाबाद में विश्व समभाव दिवस पर सतयुग दर्शन ट्रस्ट द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत ट्रस्ट के मार्गदर्शक श्री सज्जन जी ने सबको समभाव समदृष्टि की युक्ति की जीवन उपयोगिता के बारे में बताते हुए कहा कि हर मानव के लिए अपने यथार्थ स्वरूप में सदा एक रस बना रहे, मानवता के सिद्धांत पर सुदृढ़ बने रहने हेतु समभाव समदृष्टि का सबक पढ़ना और उसका व्यवहारिक रूप गहनता से समझना जरूरी है। और वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कार्यक्रम में छठे मानवता ई ओलंपियाड की परीक्षा के परिणाम भी घोषित किए गए। विजेताओं को पुरस्कार के रूप में 2.25 लाख रूपये तक की धनराशि इनाम के रूप में दी और उन्हें सम्मानित किया गया। कॉलेज एवं व्यक्तिगत स्तर पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नेहा शर्मा और नई दिल्ली की महिमा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद चतुर्थ मानवता ई ओलंपियाड के टॉप 500 विजेताओं के नाम भी घोषित किए गए। ये पुरस्कार स्कूली और कॉलेज के बच्चों के स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर और ओवरऑल स्कूल ट्रॉफी के स्तर पर घोषित किए गए। स्कूली स्तर पर 5वीं से 8वीं तक की श्रेणी में ऊना के डीएवी स्कूल के तनिष राणा, नई दिल्ली से लवली रोज पब्लिक स्कूल के ब्रजेश कुमार वर्मा और झांसी के सीकेसी एकेडमी के अवनी जैन ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं 9वीं से 12वीं तक की श्रेणी में नई दिल्ली से लवली रोज पब्लिक स्कूल के अवधेश कुमार वर्मा ने प्रथम, बल्लभगढ़ के आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल के शुभम पांडे ने दूसरा और न्यू लोहरिया विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंकुर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। Good night.